क्या आप भी बची हुई चावल की फ्राइड राइस रेसिपी बना के बोर हो चुके हैं? तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ चार बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, जिसे हम घर के सिंपल से इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। टेस्ट बहुत ही ऑसम होता है, बनाना भी बहुत ही आसान है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हम बच्चों के लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं राइस कटलेट। इसके लिए यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बोल में लिया हुआ है एक कुक्ड राइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टाइटली पैक करके लिया हुआ है। अब इसे हमें मैश कर लेना है। मैश करने के लिए आप हाथों का यूज कर सकते हैं या फिर इस तरीके से स्पून का भी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू, जिसे मैंने मैश कर लिया है राइस के साथ में। फ्लेवर के लिए अब डाल देते हैं थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। इसके अलावा अगर आपको चीज भी डालना है फ्लेवर के लिए तो चीज भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ग्रेटेड चीज। सीजनिंग में यहाँ पे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक, थोड़ा सा गरम मसाला और चाट मसाला। इसके अलावा थोड़ा सा लेमन जूस, जिससे बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा। इन सारी चीज़ों को बाइंडिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉर्न फ्लावर। कॉर्न फ्लावर की जगह आप चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं या फिर भुना हुआ बेसन का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक या दो बड़ा चम्मच ले सकते हैं, बट ये टोटली डिपेंड करता है आपकी राइस कितनी सॉफ्ट है। अगर राइस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आपको ज़्यादा बाइंडिंग की ज़रूरत हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है तो आपके एक चम्मच से भी काम चल सकता है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका डो बना लीजिए। डो बनाने के बाद हमें इसका मीडियम साइज का बॉल बना लेना है। हाथों को सबसे पहले एक बार आप ऑयल से जरूर ग्रीस कर लीजिएगा और इसे हल्का सा प्रेस कर देना है, जिस तरीके से हम कटलेट बनाते हैं बस सेम उसी तरीके से। गैस पर मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है और इस पर डाला हुआ है थोड़ा सा ऑयल शैलो फ्राई करने के लिए। और ये देखिए इस तरीके से हमारा गर्मा गर्म क्रिस्पी कटलेट बनके रेडी हो गया है। दोनों तरफ हमें इसे अच्छे से शैलो फ्राई कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, और बहुत ही चटपटा सा, बहुत ही बेहतरीन सा, बच्चों के लिए परफेक्ट इवनिंग स्नैक्स। इवन आप इसे लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ बच्चों के लंच बॉक्स में डाल रहे हैं तो फ्रेश राइस का ही यूज करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो सीजनिंग है वेजिटेबल्स है, आप बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसे हम सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ में या फिर केचप के साथ में। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये। आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो प्लीज अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो चलिए अब मूव होते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी की ओर। अब हम बनाने वाले हैं राइस रोटी, लेकिन यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं बेसन का। तो सेम वही प्रोसेस हमें लेना है, एक कप टाइटली पैक्ड कुक्ड राइस। इसमें हमें डाल देना है मैश करने के बाद में आधा कप बेसन। अगेन बेसन की क्वांटिटी आपके राइस पर डिपेंड करती है कि राइस कितना सॉफ्ट है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ चुटकी भर हींग, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स की जगह आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, एक बड़ा चम्मच दही, थोड़ा सा नमक, और बस इस तरीके से हमें फर्म डो तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं डो रेडी हो गया है। हाथों पर मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है, क्योंकि जो राइस होते हैं थोड़े से स्टिकी होते हैं, इसलिए हाथों पे आप हमेशा ऑयल ग्रीस कर ले। इसे भी मैंने छोटे लेमन साइज का बॉल बना लिया है। तो चलिए अब मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो तवा को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और तवा में भी मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दिया है। हाथों पे मैंने लिया हुआ है पानी, पानी पर मैंने हाथों को डिप करते हुए इस तरीके से जो हमने बॉल बनाए थे उसे प्रेस करते हुए एक छोटी छोटी सी क्यूट सी रोटी बना रही हूँ, या फिर कह लीजिए बच्चों के लिए राइस पैनकेक। और इसे भी हमें दोनों साइड हल्का सा क्रिस्पी होने तक कुक कर लेना है। ये रेसिपी भी बच्चों के लंच बॉक्स में बहुत ही बेहतरीन लगती है। अगर आपको बच्चों को इवनिंग स्नैक्स में भी देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही बेहतरीन सा हमारा राइस पैनकेक बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही हेल्दी वे में। और इसे भी हम सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ में। होप सो आपको राइस पैनकेक की भी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब मूव होते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन सी रोटी, जिसे मैं बचपन से खाते आ रही हूँ। इवन ये मेरे लंच बॉक्स में भी जाता था और ये मेरा फेवरेट लंच बॉक्स होता था। तब हम बनाने वाले हैं राइस रोटी, लेकिन राइस फ्लावर के साथ में। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक कप टाइटली पैक्ड राइस, अगेन साथ में आधा कप राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। अब इन सारी चीजों का हमें डो रेडी कर लेना है, एक फर्म डो रेडी करना है।
राइस को, जैसे मैंने कहा कि हर बार सबसे पहले हमें राइस को मैश कर लेना है, जिससे बहुत ही खड़ी दानेदार राइस नहीं रहनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए मैं इसे गूंथ रही हूँ। पानी की क्वांटिटी यहाँ पे मुझे जो जरूरत पड़ी है वो है 1/4 से भी कम। लेकिन अगेन, अगर आपकी राइस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा उसमें मॉइस्चर है, तो हो सकता है कि आपको उतनी ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत ना पड़े। इसे भी हमें फर्म डो तैयार कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा फर्म डो रेडी हो गया है। और ये रेसिपी छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसे कहा जाता है चावल की रोटी। और यहाँ पे मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, स्पेशली बच्चों के लिए किस तरीके से हम बना सकते हैं, या फिर मैं कहूँ जिस तरीके से मैं बचपन से खाते आ रही हूँ, मैं वही रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ कि कैसे हमारे घर में बनाया जाता है। तो छोटा सा मैंने उसका लोई ले लिया हुआ है और चावल आटे का यूज़ करते हुए मैं इसकी रोटी बना रही हूँ। अगर आपके पास चावल आटा नहीं है, राइस फ्लावर नहीं है, तो आप इसके जगह गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं पर्सनली राइस फ्लावर का ही यूज़ करती हूँ। और ये देखिए, मीडियम साइज़ की हमने छोटी छोटी सी रोटी बना ली है, बहुत ज़्यादा मोटी ना तो बहुत ज़्यादा पतली। तो चलिए अभी से हम तवे में सेक लेते हैं। इसे आप डायरेक्ट फ्लेम में भी सेक सकते हैं, हल्का सा कुक करने के बाद जिस तरीके से हम रोटी को सेकते हैं, या फिर आप जिस तरीके से हम पराठा बनाते हैं उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में डालना चाहते हैं तो आप पराठे के तरीके से आप इसे सेक लीजिए, या फिर अगर आप घर पे दे रहे हैं बच्चों को तो गर्मा गर्म घी के साथ में आप इसे जरूर दीजिएगा। डेफिनेटली आपकी होल फैमिली इसे बहुत पसंद करेगी। ये छत्तीसगढ़ का ट्रेडिशनल फूड है, लेकिन वहाँ पे इसे थोड़ा सा मोटा बनाया जाता है। और आप देख सकते हैं डायरेक्ट फ्लेम से जो स्मोकी फ्लेवर आता है बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो ये तो था हमारा डायरेक्ट फ्लेम में सेकने का, और यहाँ पे हम किस तरीके से ऑयल में इसे सेक सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब इस गर्मा गर्म राइस रोटी को हम इंजॉय कर सकते हैं अपने किसी भी फेवरेट चटनी के साथ में। तो इसे हम इंजॉय करते हैं टमाटर की चटनी के साथ में, जिसे हम फ्रेश बनाते हैं। ये देखिए, ये रोटी जो रहती है अगर आप लंच बॉक्स में डालेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनी रहती है। ये देखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बच्चों के लंच बॉक्स में रोटी डालते हैं वो हार्ड हो जाती है, राइस रोटी के साथ में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम। तो चलिए अब सेम इसी डो का यूज़ करते हुए हम बनाते हैं छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही फेमस डिश, राइस फरा, चावल का जो फरा बनता है। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा डो बनाने का। अब इससे हम बनाएंगे फरा। ये हमारे घर में सबका फेवरेट है, स्पेशली बच्चों का तो ये फेवरेट है। चाहे आप उसे लंच में दे दो, स्नैक्स में दे दो, ब्रेकफास्ट में दे दो, या फिर डिनर में दे दो, बहुत इंजॉय करते हैं और हेल्दी भी होता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, आप देख सकते हैं मैंने छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है डो का और उसे इस तरीके से रोल कर रही हूँ। बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप का इस तरीके से हम बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फरा बनाया जाता है। ये जो है फरा की रेसिपी, ये छत्तीसगढ़ से है। और ये देखिए, तो सारे डो का मुझे इस तरीके से फरा बना लेना है। अगर आपको फरा नहीं बनाना है, कई बार ऐसा होता है कि फरा बनाने में जो है ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैं छोटा सा बॉल लेती हूँ, हल्का सा फ्लैट कर देती हूँ और इस तरीके से हम फरा बना सकते हैं। हालांकि इसे मुठिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम दो ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया, अगर आप चाहे तो सिलेंड्रिकल शेप बना सकते हैं या फिर हल्का सा रोल करके फ्लैट कर सकते हैं। अब मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो गैस पर मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होते ही मैंने डाला हुआ है बैगल सीजनिंग, बट यहाँ पे ट्रेडिशनली डाला जाता है सफेद तिल। लेकिन बच्चों को बैगल का सीजनिंग का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इवन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे डाला है। बट डेफिनेटली अगर आप बस ये नहीं है तो सफेद तिल डाल सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग रहता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला दो खड़ी लाल मिर्च। गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने लो कर लिया है, क्योंकि जैसे ही तिल हम डालते हैं वो तड़कने लगता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और अब हमें यहाँ पे डाल देना है 1/4 कप पानी। पानी डालने के बाद आप तुरंत इसे ढक्कन से ढक दें, नहीं तो छींटे ऊपर आ सकती हैं। कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि पानी से उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पे डाल देते हैं फरा। तो सारे बनाए हुए फरे को हम पानी में हल्के हाथों से डाल देते हैं, जिससे फरा बिल्कुल भी ना टूटे। और अगेन इसे हमें क्लोज करके मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो पानी हमने डाला था वो ड्राई हो चुका है। तो चलिए अब हल्के हाथों से इस फरे को हम पलट लेते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है इसे फरा को पलटने में, क्योंकि जो फरा है वो नीचे से स्टिक हो जाता है और उसी से ही बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। जो क्रिस्पी लगता है फरा वो यहीं से आता है, जब वो तले में चिपक जाता है। जब हम छोटे थे तो हमें तो यही वाले फरे बहुत अच्छे लगते थे, जो जला हुआ रहता है ना, तो हम कह रहे थे कि मम्मी वो जला वाला फरा हमें चाहिए। तो बस इस तरीके से हमें हल्के हाथों से पलट लेना है कि वो टूटे भी ना और ये क्रिस्पी भी रहे।
तो थोड़ा देर हम एक से दो मिनट और इसे पैन पे रख देते हैं जिससे चारों तरफ से बहुत अच्छे से कुक हो जाए। बेसिकली ये स्टीम में ही कुक हो जाता है, लेकिन जो क्रिस्पीनेस आता है वो इस तरीके से ऑयल में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि फरा बनाना भी कितना आसान है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्यूट सा। और ये देखिए जो मैंने आपको एक और शेप बताया था वो कुछ इस तरीके से बनता है। होप सो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। साथ में मम्मा सुपर किट में नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग रेसिपीज के आइडियाज, बच्चों के एक्टिविटीज और उनके हेल्थ के कुछ ऐसे टिप्स जो बींग अ पेरेंट्स हमें जानना जरूरी है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इन चारों में से आपका कौन सी फेवरेट रेसिपी है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।